हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस मैं दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज अपना एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये आपके क्लास 10 का, जिसमें हम लोग आज जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो आपके लेसन नंबर 3 का लास्ट टॉपिक होगा और जिसका नेम है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करें, क्या होता है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, इसके बारे में हम लोग आज इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, चलिए इसको स्टडी करें। तो एक्वायर्ड का सेंस है आपका जो आप अपने लाइफ टाइम में जो भी आपका ट्रेट डेवलप होता है या आपके जो भी कैरेक्टर होते हैं उनमें जो भी आपके चेंजेस आते हैं या जो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट आप में चेंज देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं किसी रीजन से एक्सीडेंटली भी, जैसे आप देखते हैं कि आपके स्किन पर आपके फेस पर कहीं पर आपका एक कट हो जाता है, तो जो कट आपके एक्सीडेंटली हो जाता है या अक्सर आप देखते हो कि जैसे मैं आपके बीटल्स का दिया है कि बीटल्स में आपके बुक में दिया है कि बीटल्स जो है उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। पहले जो बीटल होते हैं शुरुआत में वो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ब्रॉड होता है, लेकिन इनसफिशियंट फूड की सप्लाई होने का उनके बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो थिन हो जाता है। तो ये क्या है, तो ये जो भी चेंजेस आए हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस आए उसके कारण अगर हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, हमारे कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, तो ये सभी जो चेंज आते हैं इनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। क्लियर हो गया, एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब क्या है बेटा? एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब ये है कि जो ट्रेट आपको आपके पेरेंट्स से नहीं ऑप्टेन होते हैं, जो ट्रेट आपके लाइफ में किसी रीजन से आप में वो डेवलप हो जाते हैं या तो इन्वायरमेंटल रिस्पांस के कारण, रिस्पांस ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज के कारण जो आप में कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, वो सभी जो कैरेक्टर ट्रेट होते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेट। क्लियर हो गया, तो आप बता लोगे ना। और इसके साथ इनहेरिटेड ट्रेट या इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या है, तो इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस क्या होता है, तो अगर आपको बताना हो तो बताते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट कैरेक्टर, इट इज अ प्रोसेस, पहले ये लाइन लिखोगे, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच पेरेंट कैरेक्टर ट्रांसफर इनटू देयर प्रोजेनी एंड जनरेशन टू जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। मतलब आपके पेरेंट्स के ट्रेट जो आप में आ गए हैं और आपसे फिर आपके न्यू ऑफस्प्रिंग जो होंगे उनमें जाएंगे, तो ये पेरेंट्स से ट्रेट का ऑफस्प्रिंग में आना और जनरेशन टू जनरेशन जाना, ये सभी आपके किस में इंक्लूड होता है, इनहेरिटेंस में। उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जो ट्रेट आपके पेरेंट्स आप में आते हैं और जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, उन ट्रेट को हम लोग किस नेम से जानते हैं बेटा, उसको बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। ओके, तो क्या कंफर्म हुआ कि ऑल दोस ट्रेट विच आर ऑप्टेन इन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम बर्थ इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। कंफर्म हो गया,
हम समझ रहे हैं कि आपको कंफर्म हो गया होगा एंड एक्वायर्ड ट्रेट ऑल दोस ट्रेट और अ ट्रेट विच डेवलप इन अ पर्सन विच डेवलप इन अ पर्सन ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज और एक्सीडेंटल इन देयर लाइफ दिस इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेट. कंफर्म हो गया होगा तो इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट क्लियर हो गया. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपलफाइड अगर आपको बताएं तो इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब है कि ऑल द ट्रेट विच ऑब्टेन इन अ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम बर्थ एंड इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट all the trait which develop in any person after birth and which is not inherited are called acquired trait. confirm ho gaya beta to chaliye sabki definition hum log likh lein. firstly hum log definition likhenge acquired trait ki. acquired ट्रेट एक्वायर्ड ट्रेट का डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे अ ट्रेट अकर इन अ पर्सन after birth due to the response of change environment environment are called acquired. या इज जोड़ दो आप और ट्रेड यूज किए हो तो ठीक ना इज कॉल्ड acquired. कंफर्म हो गया होगा. देखिए मैं इसको डिफिनेशन को एक बार आपको बता दे रहा हूं. अ ट्रेट अ कैरेक्टरिस्टिक अकर इन पर्सन इन अ पर्सन आफ्टर बर्थ. एक ट्रेट जो किसी पर्सन में बर्थ के बाद होता है मतलब कहने का डेवलप होता है. यहाँ पर डेवलप लाइन ही वर्ड यूज कर सकते हो. डेवलप अकर के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो डेवलप आफ्टर बर्थ. और ये कैसे डेवलप होता है ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन्वायरमेंट. जो चेंज इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स के कारण डेवलप होता है इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट. उसको हम कौन सा ट्रेट बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट. आगे लिखोगे दिस ट्रेट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम
फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग। और यह जो ट्रेट होता है ये आपका इनहेरिट नहीं होता, ये इनहेरिटेड नहीं होता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड नहीं होता है तो उस ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट। क्लियर हो गया? अगर कोई आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। एग्जांपल में बहुत सारे हैं, जैसे मैं साइकिलिंग, ये आप बर्थ से ही जानते हो। साइकिलिंग को क्या करते हो, जब आप साइकिलिंग करना शुरू करते हो तो पहले आप किसी के हेल्प से आप उसको लर्न करते हो, और उसके बाद जब आप लर्न करते हो उसके बाद उसको अपना अपने एक्सपीरियंस से आप क्लियरली साइकिलिंग करना सीख जाते हो। टाइपिंग करना जो है ये भी आपने सुना होगा, जानते हो टाइपिंग करना, ये आपका हुआ। ये जो ट्रेट है ये आपके किस ट्रेट के अंतर्गत आते हैं, एक्वायर्ड है। उसके साथ साथ आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके स्किन पर कोई कट हो जाए तो ये कट जो हो गया ये आपके, ऐसा नहीं है कि आप में अगर हुआ है तो आप अगर पेरेंट है आपके आप स्प्रिंग में जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपके ट्रेट किसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल में दिया है बीटल्स का दिया है कि जो शुरू में जो बीटल्स होता है उसके बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो वाइड होता है, उसको प्रॉपर जब फूड की सप्लाई मिलती है, लेकिन जैसे ही इनसफिशियंट फूड की सप्लाई मिलती है तो उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, और उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो थिन हो जाता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा उसका भी बॉडी का स्ट्रक्चर थिन होगा, अगर उसको सफिशियंट फूड की सप्लाई मिले तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसके साथ और एक दिखाया गया है माइस का, कि माइस के अगर टेल को आप कट करते हो तो टेल को कट करने के बाद आप देखते हो कि फिर वो टेल कुछ टाइम के बाद वैसा इंक्रीज कर जाता है अपने साइज में, और या स्मॉल भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि उससे जो बेबी बर्थ या न्यू माइस जो बेबी डेवलप होगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें टेल शॉर्ट होंगे, उसके टेल भी लॉन्ग ही होंगे। तो इसका मतलब कि ये पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रेट इनहेरिटेड नहीं होते हैं, इसलिए इन ट्रेट को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, आपके एक्वायर्ड ट्रेट। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि आपके जो क्रोमोसोम का नाम आप सुने हैं, तो क्रोमोसोम में एक बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाले होते हैं, और एक जो होते हैं आपके सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, याद ही होगा आप लोगों को। तो ये जो बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाले क्रोमोसोम है, सेक्स को डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है, याद होगा आपको, तो रिप्रोडक्शन के टाइम जो गेमेट्स के अंदर क्या करेगा, जो गेमेट्स के अंदर कैरेक्टर के जीन या उस क्रोमोसोम के अंदर जो कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट होते हैं वही कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये क्लियर है कि अब टेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर का ये जो अचानक चेंजेज हुआ तो वो जीन को तो अफेक्ट नहीं कर रहा, जी क्रोमोसोम को तो वो अफेक्ट नहीं करेगा, और इस कारण जो जीन है जो आपके गैमेट में प्रेजेंट जीन होंगे उस पर अफेक्ट इसका नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव सेल पर अफेक्ट नहीं होगा। और जब नहीं अफेक्ट होगा तो न्यू नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा केसेस नहीं देखने को मिलेगा, जो आपके बुक ने लिखा है कि जब तक डीएनए और जीन में चेंजेज नहीं आएंगे जो गैमेट के अंदर जाते हैं, जो गैमेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
तब तक वो ट्रेट इनहेरिट नहीं होंगे। तो ये जो एक्सीडेंटली लाइफ में हो रहा है हमारे या माइस के या बीटल्स के, तो इससे जब तक उसके गैमेट में प्रेजेंट के डीएनए और जीन में चेंजेस नहीं होंगे तब तक ये कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होगा। ये है आपका एक्वायर्ड ट्रेट, ये आपके बुक ने भी लिखा है इसलिए मैंने आपको बताया, कंफर्म हो गया ना। अब इसके बाद सेकेंड आपका ट्रेट आता है बेटा जो है आपका इनहेरिटेड ट्रेट। तो चलिए इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में हम लोग जानेंगे। इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट तो बताओगे डेवलप इन अ पर्सन फ्रॉम बर्थ is called inherited trait। और आगे लिखोगे this trait is inherited from parents to their of spring। तो आप बताओगे ट्रेट डेवलप इन अ पर्सन, एक ट्रेट जो होता है जो किसी पर्सन में डेवलप होता है बर्थ से, वो आपका होता है इनहेरिटेड ट्रेट। तो आपका कौन सा ट्रेट होता है इनहेरिटेड ट्रेट, और यह ट्रेट जो होता है ये इनहेरिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसके पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड होता है। तो ये आपका कौन सा ट्रेट हो जाएगा, तो ये बताएंगे आप लोग इनहेरिटेड ट्रेट। क्लियर हो गया, जैसे मैं आपके बीटल्स में दिया है, आपके बीटल्स में दिया है ना कि जो टू कलर्स के बीटल्स होते हैं, एक आपके ग्रीन कलर के हैं, एक रेड कलर का दिया है, तो उसमें अगर वेरिएशन आएगा तो चेंजेस आ सकते हैं। वो वेरिएशन आने के कारण क्योंकि वो जो प्रेजेंट है इनकी जो जीन प्रेजेंट है ये हमारे स्किन जो कलर होते हैं इसके जीन हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रत्येक क्रोमोसोम में उसके जीन प्रेजेंट होते हैं। केयरफुली समझिएगा, कलर के लिए हाइट के लिए ये सभी जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम में। तो अब इसके कारण ये ट्रेट जो होंगे हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होने का गेमिट में भी जाएंगे और गेमिट से ये न्यू जनरेशन में भी जाएंगे। कंफर्म हो गया, क्योंकि ये कहां से है बर्थ से, मतलब कि हमारे पेरेंट्स में ये ट्रेट थे, जब हमारे पेरेंट्स में है तो श्योर है कि ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, तो हमारा होगा कौन सा ट्रेट इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे में आई का कलर ये हमारा इनहेरिटेड ट्रेट है, इसके बाद स्किन कलर ये भी हमारा इनहेरिटेड ट्रेट है, हेयर कलर ये भी हमारा इनहेरिटेड ट्रेट है क्योंकि हमें बर्थ से ऑब्टेन होता है, तो ये सभी हमारे इनहेरिटेड ट्रेट है और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होंगे या इनहेरिटेड होंगे। कंफर्म हो गया, तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं क्योंकि ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।